हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नई यूनिट ये भी कह सकते हैं। वो यूनिट कौन सी होने वाली है? तो वो यूनिट है ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशंस पढ़ेंगे क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, और साथ में तीन चार या इससे भी ज़्यादा थोड़े से एग्जांपल्स को करना सीखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में भी क्या होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इस अनंत जीवन में खुश रहना है। थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आपको परेशान हुए बिना लगातार अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को मॉडिफाई करते रहना है। मॉडिफाई करने का मतलब ये है सर कि अगर आपने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया है तो आप उन सभी रेस से पीछे हो जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी बकवास किए हुए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ऑसिलेशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं। कौन सी? पहली चीज़ ये है कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरा ये है कि कमेंट ज़रूर करें, अपना प्यार देते रहें, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जैसा कि इसका नाम है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन को हिंदी में शायद आवर्ती गति कहते हैं, शायद शायद, ठीक है, मुझे कंफर्म याद पता नहीं है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक मोशन होता है वो कहाँ पर होता है और कैसे होता है, दो चीज़ें। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई पार्टिकल किसी भी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है। कहेंगे सर ये ठीक है, घूमता है, पहली कंडीशन। दूसरा ये है, अपनी गति को, अपने मोशन को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम के बाद में। दो चीज़ें हुई, एक ये एक पार्टिकल है, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल घड़ी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अर्थ और सन, ठीक है, हमारा सुंदर सा सन और सुंदर सी अर्थ। अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे रोटेट होती है 365 डेज के बाद में, फिर से रोटेट होती है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर अर्थ का सेल्फ का रोटेशन ऐसे जो होता है, वो रोटेशन क्या करता है, वो रोटेशन करता ये है कि उसे खुद को 24 घंटे के बाद में रिपीट कर देता है। तो ऐसे मोशंस कौन से मोशंस हुए, वो मोशंस कहलाए हमारे पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। कहेंगे सर ओके, पीरियोडिक मोशन में दो कंडीशन है आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि वो एक फिक्स टाइम के बाद में, एक फिक्स टाइम के बाद में अपने मोशन को रिपीट करता है, ठीक है, अपने मोशन को एक फिक्स टाइम के बाद में रिपीट करता है, फिक्स टाइम, ठीक है। दूसरा, फिक्स टाइम में रिपीट करेगा तो उसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, उसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे वाले ग्राफ को वो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, ये भी याद रखिए। दूसरा, और जो ये पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो कैसे मोशन होते हैं, वो हमारे सारे के सारे ऐसे मोशंस होते हैं जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं। कहेंगे सर ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? तो ऑसिलेटरी मोशन पे पहुंचने से पहले आप कुछ बेसिक से और एग्जांपल्स, बेसिक से कुछ और एग्जांपल हैं पीरियोडिक मोशन के, तो आप उसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। एक हमारा हो गया अर्थ सन, दूसरा हो गया मून और अर्थ, तीसरा हो गया आपका सेल्फ अर्थ का रोटेशन, ठीक है ना, तीन रोटे हो गए। फिर चौथा ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार, कोई कार किसी एक फिक्स पॉइंट से कहीं जा रही है, 2 घंटे में लखनऊ पहुंचती है और 2 घंटे बाद वहां से वापस आती है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचती है, समझिए, फिर समझिए, एक कार है लखनऊ से निकलती दिल्ली के लिए, ठीक है, 2 घंटे लगे, कितने में गया होगा, ओह माय गॉड कितने में गया, नहीं, 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, यहाँ से लखनऊ से दिल्ली गया 5 घंटे, वहाँ से वापस आया फिर 5 घंटे, फिर गया 5 घंटे, फिर आया 5 घंटे, फिर गया 5 घंटे, फिर आया 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, ये कौन सा मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है, क्लियर। दूसरा समझो, एक कीड़ा, वही मकड़ी वाला स्पाइडर, चढ़ता है फिर वापस आता है, चढ़ता है वापस आता है, चढ़ता है वापस आता है, टाइम फिक्स है, चढ़ता है वापस आता है,
ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन कुछ लिख रहा हूं मैं आपके लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक मोशन के ग्राफ कैसे बनेंगे ये भी समझ लेते हैं साथ में, फिर इसके बाद में देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशनम, मोशनम यहां तो ऊपर लिखा होगा ना वैसे तो, ठीक है। मोशन में क्या होता है, इट्स रिपीट इट्स मोशन, या पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अपने मोशन को रिपीट करता है किसमें, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, इंटरवल, फिक्स इंटरवल, ठीक है। इतना क्लियर। ग्राफ कैसे बन सकते हैं, तो ग्राफ इसका ऐसे भी बन सकता है, कई टाइप के ग्राफ है, देखो कई टाइप के ग्राफ, मैं सारे ग्राफ बताता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक सा ग्राफ जो हम सभी की पसंद होता है, हम सभी को बहुत सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता है, मज़ेदार लगता है, इसे कह सकते हैं, है ना। तो देखो ये ग्राफ है, ये फिर इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और यहाँ इसको लग गए हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड लगे, टोटल मिला के 4 सेकेंड। तो यहाँ भी 2 सेकेंड लगे, यहाँ भी 2 सेकेंड लगे, मतलब 4-4 सेकेंड में ये अपनी पोजिशन को सेम रिपीट कर रहा है, 4-4 सेकेंड में, पहला हो गया। दूसरा, एक पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, 2 सेकंड हवा में रहा, फिर ज़मीन पे आ गया, यहाँ तक चला, फिर 2 सेकंड हवा में रहा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 2 सेकंड हवा में रहा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे रहा, फिर हवा में आ गया, फिर यहाँ पे रहा, फिर हवा में आ गया, ऐसे करके चल रहा है। देखो 2 सेकंड के बाद में रिपीट कर रहा है खुद को, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद में, ठीक है, बेसिक होगा। और समझो, एक कार चली, शुरुआत में 0 दूरी पर थी, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। ये हमारा मान लो एक्स है, ये हमारा टी, ठीक है, एक्स टी, यहाँ से यहाँ तक इसे पहुँचने में लगे 2 सेकेंड, 2 घंटे ले लो। फिर ये गया, फिर यहाँ से गया, फिर 2 घंटे, फिर गया, फिर आया 2 घंटे, फिर गया, फिर आया 2 घंटे, ठीक है, पीरियोडिक मोशन है। अब समझो आगे, ये सन चाचा है हमारे, ये अर्थ मौसी है हमारी, ठीक है। यहाँ से ये घूमते घूमते यहाँ तक आई, यहाँ पे चली गई। अब इस वाले मोशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, देखो यहाँ से इसने घूमना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँची। तो यहाँ से ये पूरा घूम करके जब वापस आएंगी तो कितना ये एंगल क्रिएट करेंगी, 2π। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको कितना लगा, 2π। तो ये मोशन कौन सा हुआ, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करता है तो उस वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसके ग्राफ कैसे भी हो सकते हैं, ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, ये दिया ऐसा हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना, लाइंस का हो सकता है, डॉट्स का हो सकता है। तो आप इसके लिए कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि पीरियोडिक मोशन में क्या चेंजेस रहते हैं, इतना क्लियर है, बताइए, ठीक है ना। चलो ओके, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे हमें करना है एक काम, कौन सा काम, इसको करना है सबसे पहले साफ। पीरियोडिक मोशन क्लियर हुआ, देखो पीरियोडिक मोशन में समझना ये जरूरी था कि कैसे काम कर रहा है। एक फिक्स टाइम लगा, उस टाइम के बाद में इसने खुद को रिपीट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसने अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन किया जिसमें शुरुआत उसने करी थी, ठीक है ना। इसे कहते हैं कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन कहते हैं इसको। इतना क्लियर है, कहने से बिल्कुल क्लियर है, तो हम क्या करें, सब क्लियर है, चलो ओके। अब समझो पीरियोडिक मोशन के बाद में, पीरियोडिक मोशन के बाद में एक और मोशन आता है, कौन सा मोशन आता है, कहेंगे सर एक और मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, कहेंगे ये सर कौन सा मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो पहले हम लोगों ने 3-4 मोशन पढ़े हैं, मैं एक एक करके नाम गिनाता हूँ पहले आपको। एक था लीनियर मोशन, जब एक लाइन पर ऐसे पार्टिकल जा रहा था, ठीक है, कहेंगे सर वेरी गुड। फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रेजेक्ट्री मोशन, याद आया, कहेंगे सर ये कौन सा मोशन है,
प्रक्षेप गति पढ़ी ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना हम लोगों ने, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा जिसमें एक्स और वाई दोनों में चलता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलर मोशन, पढ़ा ना सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास में तीन टाइप के मोशन पहले से थे, चौथा मोशन ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कौन पेंडुलम, जिसमें एक फिक्स पॉइंट से एक पार्टिकल इधर जाता था, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 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 होता था। याद आया कौन पेंडुलम, कौन पेंडुलम, कौन पेंडुलम, याद आया ना कहीं से? बिल्कुल याद आ गया। तो अब जब कौन पेंडुलम हमको याद आ गया है, तो उसी कौन पेंडुलम में, उसी कौन पेंडुलम को जब हम लोग ऐसे लटकाते थे सिंपल तरीके से, तो क्या होता था? तो ये पार्टिकल को जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी देते थे, टैप करते थे टंग से, तो ये पार्टिकल यहाँ जाता था, फिर वापस आता था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करता था, नहीं करता था ऐसे, बिल्कुल करता था। तो जब ये बीच में था, जब ये बीच में था, तो इस वाले बीच में रहने की क्वांटिटी जो बीच में था, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मीन पोजिशन, ठीक है। ये पोजिशन है, इसे कहेंगे मीन पोजिशन। फिर यहाँ पे गया स्ट्रीम पोजिशन, मीन पोजिशन, स्ट्रीम, मीन, स्ट्रीम, मीन, मीन, स्ट्रीम, ऐसे करते करना है, ठीक है। तो हमारे पास अब हमें क्या करना है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या कर रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, अपने मेन पोजीशन के दोनों तरफ, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन लिख लो यहाँ पे, टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो मोशन, फ्रो मोशन, ठीक है। क्या टाइम फिक्स है? बिल्कुल टाइम फिक्स है। कब? जब फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, कहाँ हो रहा है, वैक्यूम में, कहाँ है, अंतरिक्ष में हो रहा है, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, किस कंडीशन के दोनों तरफ ये पार्टिकल गति करता है, तो मेन पोजीशन के इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर करता है, ठीक है ना। मैं एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये हमने लगा दिया ऐसे एक, ये क्या है, ये हमारा कौन पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है। हमने इस धागे को एक छत से बांधा और थोड़ा सा टैप किया, तब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो हमने इसको यहाँ से लटकाया और ये हम देख रहे हैं कुछ ऐसे करके कर रहे हैं मोशन, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर ये पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है, कुछ है क्लियर? अब इसी ग्राफ में हम आपको सब कुछ समझा दूंगा, हम आपको सब कुछ समझा दूंगा। क्या देखो, ये वाली पोजीशन है मीन पोजीशन, अभी यहाँ पर रुका हुआ है ये, तो हम इसे लिख रहे हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। सोचो संस्कृत पढ़ रहे होते तो मीन का मतलब मछली हो जाता है, कितनी दिक्कत की बात है। इसे कहेंगे हम ओ, इसे कहेंगे हम ए, इसे कहेंगे हम बी, ओ एम बी, ठीक है। इतना हुआ। ऑसिलेटरी मोशन में कोई पार्टिकल मेन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। पर पीरियडिक मोशन में ऐसा कुछ नहीं था, पीरियडिक मोशन में क्या करता था, फिक्स टाइम में अपनी जो पोजीशन है उसे रिपीट करता था। यहाँ पर रिपीट कर रहा है पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है मेन पोजीशन के इधर उधर, ठीक है। प्लीज समझो, मैं डिफरेंस बताऊंगा इसका। सपोज करो एक कार यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर ये हमारा है, ये हमारा है लखनऊ, लखनऊ, और ये यहाँ से गया दिल्ली, ठीक है, और यहाँ से गया चंडीगढ़, ये हमारा है चंडीगढ़, ये हमारा है दिल्ली, इधर उधर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले पार्टिकल गया यहाँ से यहाँ, दिल्ली गया, ठीक है, फिर दिल्ली से वापस आया, दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया, फिर दिल्ली से ये चंडीगढ़ गया, दिल्ली से चंडीगढ़ गया, फिर चंडीगढ़ से लखनऊ आया, और लखनऊ से फिर दिल्ली गया, और दिल्ली से फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ पर चंडीगढ़ गया। देखो ये इसका क्या है, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, यही कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा मोशन कर रहा है, ठीक है, तो किस टाइप का मोशन होगा, ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। बट क्या ये पीरियडिक मोशन है, बताइए जल्दी से। कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो
तो पहले ये हो गया इतना, ऑसिलेटरी मोशन इस टाइप से होता है और पीरियडिक मोशन उस टाइप से होता है। दोनों मोशन क्लियर कहेंगे सर क्लियर हो गए। अब फिर तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में एक बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो उसमें ये पूछ सकता है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियडिक मोशन, यस और नो। तो कहेंगे सर यस, है ना। फिर आएगा दूसरा ऑप्शन, ऑल पीरियडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, नो। ठीक है ना, याद रखो ये सब चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी बात है। तो आपको याद रखना सारे के सारे जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो पीरियडिक मोशन होते हैं, बट सारे के सारे जो पीरियडिक मोशन होते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते। आपको ये वाला बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है याद रखना है। आप कहेंगे सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही पास पहुंच रहे हैं, बिना परेशान हुए टेंशन लिए बिना आगे चलते रहिए, प्यार नाल खुशी के साथ मंगल गीत गाते रहिए, और उसके बिना तो काम नहीं होना ना, है ना। ठीक है, इतना हुआ। टू एंड फ्रो मोशन है ये हमारा मेन पॉइंट है। कहेंगे सर ए और बी आपने नहीं बताया, तो ए और बी कौन से पॉइंट है, इन्हें कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, मुझे पता है ये सब आपको पता है, ठीक है। ए और बी जो है कैसे पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट है, इसे कहते हैं चरम सीमा बिंदु, ठीक है। चरम सीमा बिंदु, किसी के दिमाग में कुछ और आ गया है, हम समझ गए हैं, ठीक है। ये इतना वो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसी पॉइंट्स में थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जब हम किसी पार्टिकल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं, ठीक है, उसके से छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने के बाद हमने छोड़ा इसको, एक्सटर्नल वर्क किया हमने इस पर। जैसे ही हमने इस पर एक्सटर्नल वर्क किया, जैसे ही हमने इस पर एक्सटर्नल वर्क किया और वर्क करने के लिए हमने इस पर फोर्स लगाया, कहेंगे सर बिल्कुल लगा दिया, ये हमने एक्सटर्नल वर्क करके यहाँ पे छोड़ा इसको, तो इसके पास में एक फोर्स आ गया, एक एनर्जी आ गई, उस एनर्जी का नाम है कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में आ गई, और उस एनर्जी की वजह से इसके पास में एक फोर्स जनरेट हुआ, उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी बनी इसके पास में जब हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स देकर के यहाँ तक लेकर के आए, उसकी वजह से इसके पास में एक फोर्स आ गया जिस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे काम करेगा ये मैं बताता हूँ। जब यहाँ से इसको हमने छोड़ा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ये होता रहेगा। बट इसमें कंडीशन समझो, क्या कंडीशन समझनी, इस वाले पॉइंट पर अब मैं बड़े से चित्र में बनाता हूँ, छोटा समझाता हूँ आपको, है ना। बड़ा सा बनाता हूँ तो समझाता हूँ आपको फिर, क्योंकि ये फोर्स समझ लो तो फिर आगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे चलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है भैया, कैसे लग रही है क्लासेस ये बताओ पहले। कहेंगे सर मजा नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। ओके ठीक है, अब समझो हमारे पास में, मुझे समझाना था मैं तो भूल ही गया था, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये ग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ये हो गया, ठीक है। टेढ़ा बन गया क्या भाई, कहेंगे जी सर टेढ़ा बना दिया है आपने, तो हम उसको सीधा कर लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ, अब ठीक है ना, अब ठीक है, ठीक है। अभी समझो बहुत ही ध्यान से, यह है एक्सट्रीम पॉइंट, मैं यहाँ देखो एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन, ये और ये दोनों पोजीशन, ठीक है। इस वाली पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो है, ठीक है। फोर्स कितना है, ज़ीरो है, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, जैसे हमने यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क, समझ लो ना, एक्सटर्नल वर्क किया है इस पर, एक्सटर्नल वर्क की वजह से इसके पास में एक एनर्जी आई, उस एनर्जी का नाम क्या है, रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में आई, और जैसे से हम छोड़ेंगे इसके पास एक फोर्स आ जाएगा, उस फोर्स का नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द एक्स, कहेंगे सर माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि रिस्टोर कर रहा है,
इधर जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ से माइनस माइनस ज़ीरो, ठीक है, प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस, ऐसे हो जाएगा। अब समझो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर यहाँ से फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, फिर ज़ीरो से इंक्रीज होगा, मैक्सिमम डिक्रीज ज़ीरो, मैक्सिमम डिक्रीज ज़ीरो, मैक्सिमम डिक्रीज ज़ीरो, क्लियर इतना, ठीक है। कहेंगे सर अगर यहाँ पर फोर्स ज़ीरो हुआ जा रहा तो ये आगे क्यों बढ़ गया, तो एक नियम याद करो, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जब हम आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे, जब आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो गतिमान है, जो चल रहा है इस दुनिया में, उसे रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो जैसे हम इसको यहाँ तक लेकर कैच छोड़ेंगे तो यहाँ पर आके फोर्स तो जीरो हो जाएगा, बट इसका वेलोसिटी तो रहेगी ना, और वो इसको यहाँ तक लेकर जाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है। तो फोर्स इतना हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स लगा देंगे, ठीक है, कहने से बिल्कुल ठीक है। अब इस के एक्स को बैलेंस करना है, रिस्टोरिंग फोर्स है, धीमे धीमे समझते रहो क्या कर रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, रिस्टोरिंग के फोर्स के साथ में जो माइनस का के है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना दो फटाफट, सभी को बना देंगे, ये लो भाई ग्राफ बना दिया, टेंशन ना लो, ग्राफ अब सब है यहाँ पे, सब बनाना है। ये हो गया ग्राफ इसका, ये हमारा फोर्स है प्लस का फोर्स, ये हमारा माइनस का फोर्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्स डैश। बताओ जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा है, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, फोर्स कैसा है, नेगेटिव, ठीक है ना, क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। समझ में नहीं आया पर क्योंकि सर निम्न नहीं बन गई कहते हो, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो यहाँ पे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ, माइनस का डिस्प्लेसमेंट इधर आओगे माइनस का होगा ना, ये माइनस का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट देखो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स का, ये माइनस का फोर्स आ गया, क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है, इसको हम साफ कर दें। गले में किस किस लेते कि कुछ नहीं, ओके, रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आ गया ना, इसको डाल यहाँ से प्लफ, इतना हो गया, ठीक है। फोर्स ज़ीरो है यहाँ पर, तो फोर्स ज़ीरो है तो एसेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो ये भी समझ लो, तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर एसेलरेशन ज़ीरो है, अगर एसेलरेशन ज़ीरो है तो कौन सी चीज़ बढ़ेगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ, कहेंगे सर समझ में नहीं आया, काहे समझ में नहीं आया, अभी समझ में दूंगा ना। अब जो इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और एसेलरेशन यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर भी एसेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कौन सा, निगेटिव में, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फोर्स यहाँ पर क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्लियर है इतना, अब समझो इतना, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, थैंक यू, वेरी गुड। एसेलरेशन ज़्यादा है, एसेलरेशन मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम हो जाएगी, इतना ठीक है, कहेंगे वेरी गुड। अब दो जगह तो मालूम चल गई, यहाँ पर V मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है, V मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, इसको एज इट इज ऐसे ही बना लो तुम लोग, सॉरी गिव रिस्पेक्ट आप लोग, है ना, इसको ऐसे ही बना लो, छाप लो बिल्कुल। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा मेन पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों कुछ नहीं, अब फटाफट उठा दोगे, क्लियर है ना इतना, अब इसको छाप लो। अब हम लोग चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के पास में, एक्सट्रीम पॉइंट पर, मेन पोजीशन पर, सारी पोजीशंस को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन भाभा के पास में, और वहाँ से देखेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है
वो कैसे हुए हैं और इसकी इक्वेशन क्या हुए हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या हुई है, वेलोसिटी कितनी होती है, एक्सेलरेशन कितना होता है, फिर कौन कौन से इक्वेशंस उससे बनाए जा सकते हैं, कैसे इसकी पोजीशन या लोकेशन फाइंड करी जाती है, ये सब कुछ। टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ, सारे ग्राफ हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन होता है, एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, तो समझने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें चाहिए क्या, पहला तो एक पार्टिकल चाहिए और उसकी पोजीशन चाहिए। एक पार्टिकल, एक कोई भी पोजीशन हो, ठीक है। अब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर था मेन पोजीशन, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो कर रहा है, तो हमने कहा बिल्कुल करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है हमको, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों पड़ा, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक मतलब क्या होता है, हारमोन, हारमोन बजाने वाला नहीं, हारमोनिया होता है, हारमोनिया देहात में होता नहीं, हारमोनिया बजा रहे हैं, हारमोनिया में टी धुन निकलती है ना, उसी धुन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे धुन एक बार वन बाय वन रिपीट होती है ना, जैसे आपका अब बहुत सारी धुन होती है, जैसे गाने में कई मुखड़े गाए जाते हैं तो कई रिपीट किए जाते हैं, ऐसे करके होता है ना। जैसे आप लोग कुछ बोलते हो किसी को और कई बार बोलते हो, क्यों बोलते हो पता है ना आपको, सब लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास एक पार्टिकल है, एक लोकेशन है और लगातार वो चेंज हो रही है, ठीक है। देखो कई टाइप है इसके बताने के, एक ग्राफ एक सर्कल में बताया जा सकता है, एक सर्किल बताया जा सकता है। तो हम लोग सर्किल ले रहे हैं, सर्किल ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास में एक ही सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल ये हो गया इसका सेंटर, अभी इसकी है पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, एक पार्टिकल। फिर अब ये इसकी लोकेशन है, ये हमारा है एक्स पे लोकेशन, अगर फाइंड करने तो ऐसे फाइंड करेंगे, और अगर हमें वाई पे फाइंड करनी होगी तो ऐसे फाइंड कर लेंगे वाई डैश, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया पार्टिकल कहाँ है, तो हमने कहा सर पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, ये इसका क्या है, सेंटर है। सेंटर का मतलब समझ रहे हो ना, मेन पॉइंट। अब देखो बहुत ही ध्यान समझना एक एक चीज़, ये है अभी यहाँ पर, ठीक है, और ये हमने कर दिया ऐसे, ये, ठीक है। अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को मेन पॉइंट से उठाते हैं, मेन पॉइंट से, तो उसकी लोकेशन कहाँ ड्रॉप करेंगे, और अगर स्ट्रीम पॉइंट से उठाएंगे तो उसकी लोकेशन कहाँ पे ड्रॉप करेंगे, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है सीखने के लिए, ठीक है ना। तो हमने कहा सर किसी भी टाइम पर, किसी एक टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पर था, कौन सा पार्टिकल, तो ये एक पोजीशन है, एक पार्टिकल है Q, एक पार्टिकल है P, Q P, ठीक है, टी टाइम बीता, स्मॉल टी टाइम, ठीक है, स्मॉल टी टाइम के बाद में, शुरुआत में दोनों पार्टिकल यहीं पर थे, अपनी फिक्स पोजीशन पर थे, पर जैसे ही टी टाइम बीत गया, वैसे ही ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो हमने कहा बिल्कुल, इसने यहाँ पर एंगल क्रिएट किया, वो एंगल है थीटा, यहाँ से यहाँ तक इसने टी टाइम लिया, ठीक है, थैंक यू सर, वेरी गुड। अब हमें ये बताना है सर कि इसने वाई एक्सेस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और एक्स एक्सेस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इस पी पार्टिकल ने, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने कहा ठीक है, अगर हमें y एक्सेस पे इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट y एक्सेस पे चाहिए, y एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब क्योंकि इसमें y कहाँ है, x कहाँ है, तो देखो ये वाला y है और ये वाला x है हमारा, कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, कहें क्यों नहीं हो सकता, देखो हम जब इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस को यहाँ पे गिनेंगे तो ये हमारा वाई हो जाएगा, और इस वाले डिस्टेंस को अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, बताइए ये वाला एक्स जीरो है हमारा, अभी ये एक्स प्लस का एक्स है और ये वाला माइनस का एक्स है, और ये वाला सब प्लस में जाएगा, इसी दूरी पर जाएगा ये ऐसे करके, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही
जैसे ही यहाँ पर हम ये काउंट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये काउंट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर काउंट करते हैं, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इसकी जो ओमेगा है, तो हमने कहा सर यहाँ पर जिसकी वेलोसिटी हो कितनी होगी, तो हमने कहा बिल्कुल कोई वेलोसिटी होगा तभी तो घूम रहा लगातार ऐसे करके, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो उसका वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, दोनों वेलोसिटी एक साथ होगी, पर बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस के लिए, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम इसको क्या मान सकते हैं कि एक लीनियर पोजिशन पे, ठीक है ना, छोटे डिस्टेंस के लिए। तो हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा, तो हमने कहा थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, तो थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो हमने कहा सर इस वाले पॉइंट पर ये वाई से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सेस से इसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, तो हमने कहा बिल्कुल बता देंगे, ये है इसका वाई यहाँ से यहाँ तक, ये इसका है वाई यहाँ से यहाँ तक, तो हमने कहा बिल्कुल, अगर ये थीटा तो ये कितना होगा थीटा, ये भी है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो वाई इस एंगल में बराबर ओमेगा डी लिखो यहाँ पे, तो इस एंगल में अगर हम साइन थीटा लगा दें तो क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। आप कहेंगे सर ए क्या है यहाँ पर, तो हमने ए तो बताया ही नहीं है, तो ए है इसकी रेडियस, अभी तक रेडियस इसकी ए, बट इस रेडियस को हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड, क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है, कहाँ कहाँ एम्पलीट्यूड है, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इतना, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये इसका मैक्सिमम है, ये भी इसका मैक्सिमम है, ठीक है, ये हमने y की पोजीशन के लिए लिया, y पोजीशन के लिए ये इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, कहेंगे सर x की पोजीशन के लिए बताइए, हम कहें बिल्कुल बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, तो x की पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ से प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे, जैसे मैं डाला तो ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है, हमने कहा x है, x t टाइम के लिए वेरिएबल है, तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा a cos ओमेगा t, ठीक है, कहेंगे सर ठीक है ओके, इतना क्लियर हुआ, कहेंगे ठीक क्लियर हुआ, अब इसमें वेरिएबल कैसे फाइंड करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है ना, अब हमारी इक्वेशन को समझिए और उस इक्वेशन से सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर दें, पी की लोकेशन बताइए, पी की लोकेशन बताइए जब पी क्यू के साथ में था, ये वाला पी यहाँ से यहाँ पर था, ठीक है, तब टाइम कितना था, यहाँ पर टी कितना था, जीरो, जीरो था, अगर इस इक्वेशन में टी की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये कितना आएगा, जीरो मल्टीप्लाई ओमेगा जीरो, साइन जीरो मतलब जीरो, वाई मतलब जीरो, तो मतलब वाई की कोई लोकेशन नहीं थी, वाई मतलब कहाँ पर था, यहाँ पर था, मतलब कि यहीं पर था, ठीक है, वाई की पोजिशन इतनी थी, ठीक है सर, ठीक है, बट एक्स की लोकेशन कितनी थी, तो एट टाइम टी इज इक्वल जीरो, तो अगर जीरो करेंगे तो कॉस ओमेगा और टी का मान जीरो, तो ओमेगा इंटू जीरो बराबर हो जाएगा ये जीरो बराबर कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान कितना, एक्स इज इक्वल टू वन, वन, तो मतलब ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा, ठीक है, क्यू की पोजीशन कितनी है, एक्स बराबर ए पर है, एक्स बराबर ए पर है, ठीक है, वाई में कितनी है, जीरो, मतलब वाई वाला जो ऑसिलेशन हो रहा था वो ऐसे ऐसे हो रहा था, दो टाइप की लोकेशन, एक वेरिएशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, दूसरा ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ये तो ये कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ऐसे ऐसे भी हो रहा है, दोनों टाइप के ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है, एक ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोनों टाइप के मोशन हो रहे हैं, तो सर हम कौन सा इक्वेशन कहाँ पर क्या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कौन सा मोशन या कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल करेंगे, तो जब ये वाली हमें इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी तो हमारे पास पार्टिकल यहाँ पर होगा, ठीक है, मेन पोजीशन के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, पर जब पार्टिकल स्ट्रीम पॉइंट पर होगा, स्ट्रीम पॉइंट पर होगा, तो हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है, क्या हम दोनों इक्वेशन एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया, इसको साफ करता हूँ मैं पहले तो, है ना, थोड़ा सा क्योंकि बहुत किचपिच हो गया है, अच्छा किचपिच नहीं हुआ अभी, अभी काम हो जाएगा इससे, ठीक है, टी इज इक्वल जीरो और यहाँ से पूरा कंप्लीट साइकिल घूम के आएगा, तो यहाँ पर आएगा फिर से घूम के जब आ जाएगा तो उसे कहेंगे हम टी, टी टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से पूरा घूम के आएगा यहाँ तक लगेगा टी टाइम, ठीक है, इतना ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो टाइम कितना लगेगा, टी बाई टू लगेगा। यहाँ पर कितना लगेगा, टी बाई फोर लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, थ्री टी बाई फोर लगेगा। ये है क्या, ये टी है, ये टी है, ठीक है। इतना क्लियर, कहते वेरी क्लियर है। अब इसको मैं साफ करूँ, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको बता ही दी मैंने, मेन पोजीशन मैंने बता दी आपको। सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में ही खेल समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से जो इक्वेशंस बनेंगी ना, वो इक्वेशंस काम की होंगी। अगर हम किसी भी बर्तन में, किसी भी यूटेंसिल्स में कोई एक बॉटल डाल करके उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे छोड़ देते हैं, तो वो बाहर आ जाती है। और वो कैसा मोशन करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, बहुत ही ध्यान समझो। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, और वेवलेंथ किसे कहते हैं, और फेज किसे कहते हैं। ये पांच चीज़ें हैं, आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो, ये एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। किसी एक टाइम पर वो यहाँ पर था, फिर वो इस वाले पॉइंट पर पहुँचता है, फिर वो यहाँ पहुँचता है, फिर वो यहाँ पहुँचता है, फिर वो यहाँ पहुँचता है, ठीक है। इस वाले ग्राफ को ऐसे ना बना करके हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, कहीं से बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब कोई भी पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल पूरी कर लेता है, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल पूरी करने में कोई भी पार्टिकल को जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इतना क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो पर यूनिट टाइम पर कोई भी पार्टिकल जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी रिलेशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, लिख लो इसको, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी इज इक्वल टू वन, ये याद रखना है, या एफ इज इक्वल टू वन बाई टी याद रखना है, या टी इज इक्वल टू वन बाई एफ याद रखना है। अब कुछ बुक्स में एफ की जगह पर न्यू होगा, तो न्यू भी याद रखना अपने हिसाब से, आपको याद रखना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी भी प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये इसका पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ये तीसरा साइकिल है, ठीक है। तो इसमें टाइम कहाँ है, टाइम ऑफ पीरियड कहाँ पे, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे टाइम कितना है, ज़ीरो है। ये प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप आधे क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दोगे, ठीक है ना। जैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मतलब 90 एंगल इसने कंप्लीट किया, तो इसका टाइम लग गया टी बाई फोर, तो ये हो गया टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, तो यहाँ हो गया इसका, यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर है टी बाई फोर टाइम, यहाँ पर कितना है टी बाई टू टाइम, यहाँ पर कितना टाइम है इसके पास में, थ्री टी बाई फोर, और यहाँ पर एक कंप्लीट टाइम है टी, ठीक है, कहेंगे सर वेरी गुड। इसमें कहाँ पर है, तो ये वाला टाइम यहाँ पर कितना है, टी बाई टू है, यहाँ पे कितना है, थ्री टी बाई फोर है, यहाँ पे कंप्लीट है टी, टी इज इक्वल टू टी, तो वन साइकिल इसने कंप्लीट करी, तो अगर वन साइकिल कंप्लीट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वन, तो टी इज इक्वल वन, इतना ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दो मैक्सिमम वन साइडेड, ठीक है, एक साइड में जो दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच डिस्टेंस होती है, उसे हम कहते हैं लैम्डा, मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, फिर भी आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। योगी इतना सर, क्या लैम्डा इतना ही हो सकता है, क्या ये लैम्डा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है लैम्डा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया लैम्डा, सर ये क्या है, ये है इसका एम्पलीट्यूड ए, ये है प्लस ए, ये है माइनस का ए, ये है हमारा प्लस का ए, ये हमारा है माइनस का ए, इसे क्या कहते हैं। तो किसी भी एक साइड में, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन या एस एच एम में,
कोई भी पार्टिकल जब मेन पोजीशन के दोनों तरफ जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वर्ड्स को समझो, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे उसका हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए, एम्पलीट्यूड की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो एम्पलीट्यूड हम काहे में नापते हैं, डिस्टेंस में नापते हैं, तो यूनिट मीटर होगा और डायमेंशन एल हो जाएगा। वेवलेंथ काहे में नापते हैं, डिस्टेंस में नापते हैं, ठीक है, दूरी में नापते ना कि कितनी लंबी वेवलेंथ है, एंगस्ट्रॉम में से तो मेजर करते हैं फिर भी। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी और यूनिट मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, देख लो, फ्रीक्वेंसी 1/T है कि नहीं है, तो 1/T हो जाएगी, 1/T मतलब प्रति मीटर हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, एम्पलीट्यूड हो गया, टी हो गया, सारे काम हो गए ना, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया टी का ग्राफ, आपने क्लियर कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अगर इसने दो चक्कर लगा दिया ऐसे करके, तो प्लस का टी यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस टी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद में प्लस टी मतलब 2T हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, करें सर, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, फेज डिफरेंस में आ जाओ, फेज डिफरेंस, फेज में आ जाओ, ओनली फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज में आ जाओ, ओनली फेज में, फेज में। तो ये एक पॉइंट था 0 एंगल पर था, ये एंगल ये 2π पर था, कैसे पता था? जब ये वाला पार्टिकल पूरा घूम के यहाँ तक आएगा तो कितना हो जाएगा, 2π होगा, कहेंगे सर होगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना होगा, π/2 होगा, कैसे, 90 एंगल है कि नहीं, देखो। तो ये वाला एंगल हो गया 90 यहाँ पर, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, π/2 हो जाएगा, ये कितना होगा, π होगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ना, चाहो तो नामकरण कर सकते हो, चाहो तो नामकरण कर सकते हो, इसका नाम रखो PQRS। तो ये हमारा क्या है, P है, ये है Q, ये है R, ये है S, फिर ये है P, ठीक है ना, PQRS। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना है, π/2, फिर पाई, फिर कितना बढ़ेगा, 3/2π, ठीक है ना, ओके, इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2π, यहाँ पर 4π हो जाएगा, यहाँ पे 6π हो जाएगा, पाई 2π, नहीं सॉरी 3π होगा, यहाँ पे 3π, ये हो जाएगा 4π, ठीक है, 4π हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 3/2 मतलब 1.5π, यहाँ हो जाएगा कितना, 2.5π, 2.5 कितना होता है सर, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.5, मतलब 7/2π, ठीक है, रोटेशन के साथ में। फेज डिफरेंस भी याद रखिए अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये है, वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक एक एक वाली है वेवलेंथ, वेवलेंथ नंबर 2, इतना ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है कि किसी पार्टिकल के पास में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये है, कब, जब उसने अपने मोशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट किया हो, मीन्स यहाँ से उसने स्टार्ट किया हो, ठीक है। शुरुआत में टी इज इक्वल टू 0 था, टी इज इक्वल टू 0 था, तो पोजीशन इसकी यहाँ पर थी। जैसे ही इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कवर किया, ये देखो यहाँ तक यहाँ आ गया, ठीक है, स्ट्रीम पॉइंट पहुँच गया, ये इसका स्ट्रीम पॉइंट है। मैं समझा रहा हूँ दूसरे ग्राफ में, दूसरे उसे बताता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ सही से। ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कई बार गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, सही से पढ़ लेना है भैया, नहीं तो रोओगे हाथों पर हाथ रख करके। ये हुआ क्या, दिल मेरा टूट गया है कई बार, बताओ मैं क्या करूं, हर बार ये हुआ इतना, ओके आप समझो। ठीक है, प्लॉट कर रहा हूँ मैं एक लाइन से, ठीक है, जब हम
कौन सा ले रहे हैं क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है, इस केस में समझ रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है और कहाँ के साथ में कैसे मोशन कर रहा है। शुरुआत में टी इज इक्वल टू यहाँ पर था, टी इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जीरो था, ठीक है, था कि नहीं था, कहीं से था, एक्सेलरेशन जीरो था, था ठीक है। तो टी इज इक्वल जीरो पर पोजिशन देखो इसकी, ये हमारा क्या है, टाइम है, ऊपर वाला ये वाला टाइम है, ये टी टाइम है, और ये वाला है पोजीशन, प्लस पोजीशन माइनस एक्स पोजीशन। अब एक्स तो लेंगे नहीं, वाई लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वाई की बात हो रही है, वाई हो जाएगा माइनस का वाई, ठीक है, ओके। शुरुआत में यहाँ पर था, मैंने सर था, स्ट्रीम पॉइंट पे पहुँची सीधे, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मतलब डिक्रीज हुई, एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचा, कहाँ पर, ए पर, शुरुआत में कहाँ था, ओ पे, ए पर पहुँचा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैक्सिमम, एक्स कितना हुआ, मैक्सिमम, किसके बराबर हुआ, ये शुरुआत में कहाँ था, ओ के पास में, ये ओ हो गया, फिर कहाँ पहुँचा, फिर पहुँचा हमारे पास ए के पास में, ए, ठीक है, पहुँचा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है, कितना, प्लस इतना, तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा ए पॉइंट, कहलाएगा प्लस का ए एम्पलीट्यूड, ठीक है, इतना एम्पलीट्यूड हो गया। अब जब ये यहाँ पर पहुँच चुका है तो इसके पास एक फोर्स आ चुका है, फोर्स एफ, कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जैसे ये इसके पास आया, ये फिर से वापस होने लगेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो देखो डिक्रीज होगा, अभी यहाँ पर क्या 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 बढ़ रहा है, अरे समझ लो, बार डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पहुँच के जीरो होगी तो मतलब कम होगी, तो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर क्या होगी, ज़ीरो, वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पर देखो डिक्रीज़ हो रही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गई, फिर कितनी हो गई, ज़ीरो, किस वाले पॉइंट पर, ओ वाले पॉइंट पर, ये क्या हो गया हमारा, ओ, फिर से ये हमारा कौन पॉइंट था, ओ, फिर ये वाले पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा ऊपर तरफ, तो ये गया ऊपर, किधर बढ़ रहा, माइनस की तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का ए, ये हमारा क्या था, प्लस का ए था कि नहीं था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी, प्लस की है, ठीक है। अब ये कहाँ पहुँच चुका है, बी पॉइंट पहुँच चुका है, बी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, ये ओ है, फिर कहाँ पहुँचेगा, फिर ओ पर पहुँचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से वापस जाएगा, तो पहले कैसे गया ये, पहले गया ये ओ से ए गया, ओ से ए गया, फिर ए से कहाँ जाएगा, ओ जाएगा, फिर ओ से फिर कहाँ जाएगा, बी जाएगा, फिर बी से कहाँ जाएगा, ओ जाएगा, ठीक है, ओ से ए गया, ए से ओ आएगा, फिर ओ से बी जाएगा, ओ से बी, फिर बी से ओ आएगा, एक साइकिल कंप्लीट हुई, उस एक साइकिल में उसने इतना कुछ काम किया, इतना उसने काम किया, और उसका ये डिस्प्लेसमेंट है, उसमें ये सब चीज़ें काम करेंगी, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब इसी को दूसरी तरह समझो, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये मोशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्यों, जब t बराबर ज़ीरो था यहाँ पर, शुरुआत t ज़ीरो था, ठीक है, जब ज़ीरो था तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, मैक्सिमम था कि नहीं था, ज़ीरो रखो यहाँ पे, t ज़ीरो हुआ, ओमेगा ज़ीरो हुआ, दोनों मिलाकर के क्या हुआ, ज़ीरो, कॉस ज़ीरो का मान एक, मतलब x की वैल्यू प्लस की a, तो कहाँ से बना ये ग्राफ, देखो ये हमारा क्या है, x प्लस का x, ये हमारा माइनस का x, अब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और ये फिर जाकर ऐसे बनना, ठीक है ना, शुरुआत में कितना था, प्लस का ए, फिर कहाँ तक मैंने बना दिया, कि आपको समझाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पर था, फिर थोड़ा टाइम बिता, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ठीक है, जब ये ए पोजिशन पर था तो ये यहाँ पर था, ठीक है, टाइम बीता, ये यहाँ पर आया मेन पोजिशन पर, तो ये देखो टाइम बीता यहाँ पर आया, ठीक, इसका नाम है ओ, फिर टाइम बीता, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये इसकी लोकेशन यहाँ पर आ गई बी, फिर टाइम कम हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, कैसे, ओ से ए से पहले ओ आया, ठीक है, फिर ओ से बी गया, फिर बी से ओ आया, फिर ओ से फिर ए आएगा,
तो देखो, ए से ओ से बी, बी से ओ से ए, लास्ट में कितनी इसकी एम्पलीट्यूड है, प्लस का ए। ये इसका एक ऐसा एक क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन देख करके आप क्या लगाएंगे, एक्स इजकल ए कॉस ओमेगा टी। अगर इस टाइप का दिया है तो लगाएंगे वाई इजकल को ए कॉस ओमेगा टी, ये लगाएंगे। अब समझो एक और चीज़, यहाँ पर ओमेगा क्या है, 2π/T होता है, 2π/T होता है, 2π/T। अब समझो ए इज इक्वल टू साइन 2π/T इंटू टी, ये हुआ हमारी इक्वेशन। अब इस टी की वैल्यू कहीं पर रख करके, कहीं पर भी रख करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इसमें से कोई भी मान। सपोज करो हमने कहा सर इस वाले पॉइंट पर एंगल बता दीजिए, तो हमने कहा इस वाले पॉइंट पर एंगल है, मतलब टाइम लगा है T/2, तो एंगल कितना होगा, तो हमने कहा बिल्कुल आ रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा साइन 2π/T इंटू टी, कितना है T/2 है, देखो पाई आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, कहेंगे सर क्लियर हो गया। अब समझो आगे, कौन से फंक्शंस जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी कितनी होती है इनकी, क्या हम उसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फाइंड ही तो करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड करना है हमें, तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये तरीका देखना है बस, ठीक है, तरीका देखना है, तरीका। तो हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस ले लीजिए आप, हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस है, एक है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, यहाँ पर फेज डिफरेंस है, ठीक है, फेज है, फेज है, फेज, ओके। तो हमने कहा सर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, हमने क्या किया दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमने कहा बिल्कुल कर देंगे डी वाई अपॉन डी टी, ये होती है वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने पे। कैसे, ओमेगा टी को मानेंगे हम लोग, कुछ और पी मान लेंगे, उसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ से ओमेगा निकल के बाहर आएगा या यहाँ पे ओमेगा कर देंगे। मैं इस वाले चीज़ का एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, आपको मज़ा आ जाएगी। तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है, बट वेलोसिटी फंक्शन में देखो ए और कॉस दिया हुआ है, तो हमें पता है और हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हटाएंगे यहाँ रूट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए रूट में ओमेगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ दिख रहा है, ये क्या है, स्क्वायर 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 एंड यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, ठीक है ना, कुछ दिख रहा है, दिख गया, ठीक है, तो हो जाएगा ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू, ये होगी वेलोसिटी आपकी, कहने से ठीक है। अगर ये वेलोसिटी हो गई तो सर वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी ये बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो पहले बताया कि स्ट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, देखो कैसे निकाल सकते हैं, आपको वेलोसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, सोचो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, मान लो यहाँ से हमने कहा कि ये ऐसे है पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना, अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, कहीं पर भी हो, बेसिक तरीका समझो, अगर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, y ज़ीरो है, ठीक है, अगर इसमें हम y ज़ीरो करेंगे तो v ज़्यादा आएगा, या y का मान a करेंगे तब ज़्यादा आएगा, सोचो खुद थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अगर हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो इसका मान कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए सर, देखिए ज़ीरो होना चाहिए,
क्योंकि ये यहाँ पर इसे घटाएगा, लेस करेगा, ठीक है। हमने कहा सर नहीं, कुछ लोग होते ना कहेंगे सर नहीं उंगली कर देंगे, नहीं। तो हमने कहा ठीक है, वाई इक्वल रख लिया हमने, ए बाई टू रख लिया, ए बाई टू, तो यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, लेस होगा या नहीं होगा मैम? बिल्कुल हो गया। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा वाई इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, वी मैक्सिमम होगा कितना, ए ओमेगा होगा, ए ओमेगा होगा, ये याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पर, तो यहाँ लिख सकते हैं इफ डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, मिनिमम देयरफॉर वी इज मैक्सिमम, ठीक है, ओके सर, ओके। फिर समझो, इफ डिस्प्लेसमेंट y इज प्लस ए या प्लस माइनस ए कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये तीन दो कंडीशन आपको याद रखनी है, कितनी होगी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा होगा, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से बेसिक तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप आसानी से कर लोगे, मुझे कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है, आप फटाफट कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, यहाँ से ग्राफ वाला थ्योरम भी है, उसको बता दूँ क्या, ग्राफ वाला थ्योरम भी है भाई साहब, नहीं सर वो क्या है वो तो मैं बता दूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो प्लीज़ 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 प्लीज करके। हमने कहा यार रुको ना यार, क्यों परेशान हो रहा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है कि नहीं होता है, पहले बताओ मुझे, कहेंगे हाँ सर होता तो है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, यहाँ पर था पार्टिकल इस वाले पोजिशन पर, तो यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा, ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, और एक इसके इस तरफ बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी किस तरफ है, मान लो इधर है थोड़ी सी इसके अंदर की तरफ ऐसे करके, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या बनाएगा, ये बनाएगा वी कॉस थीटा, ये क्या बनाएगा वी साइन थीटा, बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि सर बना रही है ये याद आ गया हमने को, तो वी इज इक्वल क्या होता है आर ओमेगा होता है कि नहीं होता है, कहीं सर बिल्कुल होता है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वी टोटल, ये आएगा। मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा उस ग्राफ के लिए, तब आप वहाँ से उसको देखना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ कि यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, पर यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं उसको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, हाँ अभी मिनिमम लिखो, फटाफट लिख लेना, वाई इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसका किया हमने, ये होता वी हमारा वी, इसे लिखेंगे हम डी वी अपॉन डी टी, या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, या ए इज इक्वल टू दिस, ये लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी ओवर डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और वो कितना बनाएगा वाई। अगर कोई इक्वेशन दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में ऐसा इक्वेशन बनाती है तो वो क्या बनाएगी, याद रखो क्या बनाएगी, ए इज इक्वल टू क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई भी इक्वेशन होगी अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो ये बनाएगा इक्वेशन, ये बनाएगा। अब इस इक्वेशन में कई सारे पार्ट्स बन सकते हैं, जैसे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का डी प्लस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ही बन सकता है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, और नीचे वाली वैल्यू में एक्स वाई जेड भी आ सकता है, ठीक है, आप समझो। तो एक्सेलरेशन जो आया हमारा, एक्सेलरेशन में कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम ये बताना है हमको। तो एक्सेलरेशन में कहाँ पर मैक्सिमम होगा बताओ, इक्वेशन क्या आई है,
क्वेश्चन क्या है बताओ फटाक से। इक्वेशन आई है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा अगर हम ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, अगर हम वाई की वैल्यू कितनी कर दें बताओ, इतना हुआ, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आया ना एक्सेलरेशन फिंगर, बिल्कुल आया है। अगर वाई इज इक्वल टू जीरो होगा और वाई इज इक्वल टू प्लस ए होगा, एक्सेलरेशन है। अरे यार क्या लिखूँ इसको, ये एम्पलीट्यूड है, ए ए हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। कोई पार्टिकल यहाँ पर था ये ऐसे करके, ठीक है ना, ये तक लिया था। अब ये यहाँ पर है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसकी वैल्यू ज़ीरो कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होता है ज़ीरो, यहाँ पर भी क्या होता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर एक्सेलर कितना हो जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना था वाई इक्वल टू ए रख देंगे। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। अब माइनस का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का ये बता रहा है हमें कि अगर अगर रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस में जा रहा है तो ये माइनस की तरफ होगा, मतलब अपोजिट होंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर काम करेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ऑलवेज ऐसे रहता है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ओके अब कुछ इक्वेशन है, जैसे वाई इज इक्वल टू साइन थ्री ओमेगा टी, क्या ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बिल्कुल है, ठीक है, कैसे है, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन थ्री ओमेगा टी डी अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा थ्री ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये तो होगा ना डी वाई अपॉन डी टी, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री ओमेगा इंटू थ्री ओमेगा साइन ओमेगा टी थ्री, यहाँ आ जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा नाइन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी थ्री का माइनस में, तो कितना आएगा डी स्क्वायर वाई प्लस डी टी स्क्वायर प्लस बता रहा हूँ ओवर डी टी स्क्वायर प्लस का नाइन ओमेगा स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा नाइन नहीं थ्री ओमेगा स्क्वायर, हाँ नाइन नाइन ओमेगा स्क्वायर इंटू हाँ इंटू वाई इंटू वाई, ये आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इसी जगह पर वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सोचो करके देख ले रहे हैं फटाफट करके देखते, अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो वेरी गुड। ऐसे करके बहुत से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं, आप बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। डी वाई अपॉन यहाँ टी कर लिया, ठीक है, ओमेगा टी कर लिया, चलो तो कितना हो जाएगा, अब ओमेगा टी को मानेंगे हम लोग पी, तो पी हो जाएगा कितना ओमेगा, और ये जाएगा कितना ओमेगा टी, ओमेगा से ओमेगा बढ़ेगा कितना बचेगा वन बाई टी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई टी डी अपॉन डी टी, कितना आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, देखो आ ही नहीं रहा, सिंपल सा कट रहा नहीं है, है ना, सेटअप। दूसरा है साइन ओमेगा टी प्लस का साइन टू ओमेगा टी प्लस का साइन थ्री ओमेगा टी वाई इज इक्वल टू दिस, क्या करना है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, करने के बाद में वैसी क्वेश्चन आएगी कैसी, डी स्क्वायर वाई डी टी और स्क्वायर प्लस का
ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर जीरो आना चाहिए, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रही बना रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।